हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो आज देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज क्या स्पेशल लेकर आया है, आइए देखते हैं। आमतौर पर कॉफी पीने के लिए 65 रुपए भी देना हमें महंगा लगता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां दुनिया की सबसे महंगी कॉफी मिलती है, जिसकी एक कप की कीमत 65,000 रुपए है। अपने खास तरह के स्वाद के लिए मशहूर इस कॉफी की शुरुआत एक गलती के कारण हुई थी, जिसके बाद इस कॉफी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। इस कॉफी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 22 साल पुरानी है। इस महंगी कॉफी को बनाने के लिए कॉफी के बीज को पीसने के बाद कपड़े की छलनी में डालते हैं। इसके बाद इसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है। ऐसा करने से कॉफी की पहली बूंद को गिरने में 30 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद होता है एकदम बेजोड़ होता है। इसके बाद इस तरल कॉफी को लकड़ी के बैरल में स्टोर करने के लिए रख दिया जाता है। इस कॉफी को बैरल में लगे नलों के जरिए 2 दशक बाद निकाला जाता है। इतने लंबे समय तक स्टोर इस कॉफी का स्वाद चॉकलेटी और शराब जैसा भी होता है। जापान के ओसाका शहर में मंचाउस दुनिया का एकमात्र ऐसा कैफे है जहां ये कॉफी सर्व की जाती है। इस कैफे के मालिक तनाका ने इस कॉफी की शुरुआत अपनी एकलती से की थी। तनाका पहले आइस कॉफी बेचते थे, इसलिए वो कॉफी को फ्रिज में रखते थे ताकि उसे जल्दी तैयार किया जा सके, लेकिन एक बार कॉफी के कुछ पैकेट्स फ्रिज में रखकर भूल गए। करीब 1.5 साल बाद जब तनाका की नजर उन पैकेट्स पर पड़ी तो उन्होंने फेंकने की जगह उसकी कॉफी तैयार की। तनाका देखना चाहते थे कि इस कॉफी के स्वाद में कितना अंतर आया है। तनाका ने बताया कि जब मैंने 1.5 साल पुरानी कॉफी को ग्राइंड कर उसे बनाया तो मुझे बेहद आश्चर्य हुआ, क्योंकि कॉफी अभी भी पीने लायक थी। इसमें एक अलग सी खुशबू थी और अलग ही तरह का स्वाद था। मैंने तय किया है कि अब मैं कॉफी को सालों तक स्टोर करके रखूंगा और एक नए स्वाद की कॉफी अपने ग्राहकों को पिलाऊंगा। आप उस तरफ है। तनाका ने इसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे बैरलों का प्रयोग कर कॉफी को 1 दशक तक स्टोर किया। 10 साल बाद तनाका ने इसका स्वाद चखा तो ये एक सिरप की तरह लगा। इसके बाद उन्होंने कॉफी को 20 साल तक स्टोर किया, जिसके बाद इस कॉफी का स्वाद अल्कोहल जैसा हो गया। ये कॉफी ग्राहकों को काफी पसंद आई। इसके बाद से ही इस महंगी कॉफी का सिलसिला शुरू हुआ।